Hello friends, welcome to Duva's Kitchen and Blogs. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோல தந்தூரி சிக்கன் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம சிக்கன் தந்தூரிக்கு தேவையான ஒரு அருமையான மசாலா நம்ம வீட்டுல எப்படி ஈஸியா செய்யலாம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல நிறைய நியூ வீடியோஸ் போட்டுருக்கோம். மிஸ் பண்ணாதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் வந்திருக்கேன், செக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போலாம். तंदूरी चिकन से सूपरान स्पाइसी मसाला वह फर्स्ट रेडी पड़ा सो कड़ा वे कड़ा वे सब पुरुष वो नाम ड्राई रोस्ट पड़ी एड़को आयिल सेकाम सो ना वो नूत्र ग्राम विदे मलिया वर मल अद सेतर अदकू सिवप मिग वर मिग वे और मिगाईपोल सेतर इत रेत से आयिल ड्राई रोस्ट पड़ा नेक्स्ट और 100 ग्राम अल्वक पटय वह सेतर पट वो ना उड़ी सेतर और नाल ऐलका नाल ग्राम सेक इतकू इनकी ना वो वर जादिकासने सेक ना वो अनासी मुक्रे अब रे अनासी मुक इतमी चिन्ह चिना पीसा उड़ी सेतर इतमी सेकाल वरपे नम्बर अरेचदकसम रोमे ना मीडियम फ्लेम वे ना वर्तकें अब विध मल वो करगाम ना मनोड़ क नेक्स्ट और अर टेबिस्पून अल्वक मिगु सेक अर टेबिस्पून सोब सेतरल अर टेबिस्पून अल्वक जीरक सेतर इत मूणुमे वे अर टेबिस्पून अल्वकेंगे सेत मीडियम फ्लेम वेटा वरतल इनकी नम्बर सेतर मसाला जामो स्पैसस् अलव एल रे को चिकन के चलिए नहीं चिकन वांगो अद्कुक स्पैसो अलव वो नहीं कूटी कुछ सेतकल्ला चिकन वांगनको ना वाश् पड़े नम्बर तंदूरी से मसाला वो ना इन अभी चिकन मेल चिना चिना कीरल वो विटर सो अब मसाला इी ना टेस्ट क कीरल पट चिकन वह मंज तूल उलिचम से पत् निषं ना ऊरा विटर मसाला जामा ना वरपटदों और तटे कोटी और अंजु निम्सम ना आर वि आर्नदों मिक्सि जार से फैन पउडर अरेचिक्ला सूटोड़े अरेची टेस्ट वो मारीन आर्नदों ना फैन पउडर अरेचें चिकन वह मंज तूल ना पत् निम्सम ऊर्नको नम्बर मसाला रेडी पड़ेल और अगलान बउल एड़कें रे टेबिस्पून अल्प मिगा तूल सेतर और टेबिस्पून अल्प मल तूल सेतरल अर टेबिस्पून अल्प मिगु तूल सेतुकें इव उ सेतर उप सेक नम्बर मसाला जाम फर्स्ट वर्तमे वो वरत अरे वे वह नम इू सेतरल इतकू रे टेबिस्पून अल्प इंजीपू पेस्ट सेतुक सो नेक्स्ट वह अर कप्वर फ्रेशान गटी तय वो सेतुक तय से ना वो एल मसाल सेड़ मारे ना मिक्स पड़ी विटर नेक्स्ट ना वो मसा वो मिक्स पड़े तर सेपल रे टेबिस्पून कडले वो इनकी ना सेतर सेक नम्बर वे मेल वो कोट पड़ी नम्बर फ्रे पड़ेप अंत मसाल तनिया प्रिंज तीर् सेत सेना सो इतमी एन से चिकन मेल ना ओटीर मसाल ना इी फ्रे पड़ी क्रियाम ना टेस्ट क तनी सेकाम से मिक्स पड़े टिप्स वो रोम यूस्फुला निकीपा नहीं तंदूरी चिकन इत मेतड यूस पड़ी उमो तंदूरी चिकन मसाला प्रियाम रोम टेस्ट सूपर को ना मसाला तड़वी और तटपो मूड़ वाला और रे मेरम मिनिमम ऊरण रे मेर कंपा ऊर्ना टेस्ट वो ना क चिकन तंदूरी से फर्स्ट नम्बर मसाला रेडी पड़िया नेक्स्ट वो अड़प वो तंदूरी अड़प वो रेडी पड़ेल को चारकोल अब स्टिक्स पटो फयर पड़े इतमी नम्बर तंदूरी अड़पा वो अभी कटाय कंदूरी पड़े अंत प्लेट ग्रिल नम्बर गैस अड़पे वो पड़े यूस पड़ी सो अंत मेतड उम्मीद कमेंट सेक्शन केलेंगे कंपा नेक्स्ट वह वीडियोस ना पोस्ट पड़े सो इन वो इतमी तंदूरी अड़पा पड़ो उड़ा परती उठन पर
ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே எண்ணெயில போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. நல்லெண்ணெய் பட்டர் இல்ல என்ன garlic பூண்டு என்ன பண்றாங்க லைட்டா அப்படி டிப் பண்ணி அந்த சொட்டு விடு அவ்வளவுதான் ஏய் ஏய் வர மாட்டேங்குது ஏ garlic சிக்கன் நல்லா ஃப்ரை ஆயிட்டு இருக்கப்ப நம்ம வந்துட்டு நல்லெண்ணெயில வந்துட்டு கொஞ்சமா வந்து பூண்டு லைட்டா தட்டி அந்த சாஸ் அது மேல வந்து லைட்டா அதே மாதிரி பிரஷ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் இன்னுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எண்ணெய் வச்சு ஒன்னு காமடி கிமடி பண்ணலையே. ஊ மாங்கி பரே. ஆயில் எல்லாம் வெறும் பூண்டு தான் இல்ல. ஆயில் நிறைய போடு. ஸ்மோக்கி சிக்கன் நாம எடுத்துட்டோம் இங்கலாம் போடவே இல்ல பாப்பா எல்லா இடத்துலயும் நீங்க ப்ரோசல் லைட்டா தான் போடுறீங்க அப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா இதா இருக்கு இந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலாமரம்ங்க நிறைய பேர் வீட்ல வந்து பலாமரம் இருக்கும் பட் நான் இதுவரைக்கும் பார்த்த பலாமரங்கள்ல மீடியம் சைஸ்ல மீடியம் ஹைட்ல அப்படி இல்லடி ரொம்ப கொஞ்சம் ஹைட்டா உள்ள இடத்துல தான் வந்து பலாப்பழம் வந்து காய்க்க ஆரம்பிக்கும் ஆனா இந்த மரத்துல நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் நான் பார்க்கறேன் நிறைய பேருக்கு தெரியுமா இருக்கும் கீழ வந்து ரொம்ப அடிமட்ட தர ஹைட்ல இருந்து ஒரு 1 இன்ச் 2 இன்ச் ஹைட்ல தொடாதமா பலாப்பிஞ்சது காஞ்சிருந்தது எனக்கு வந்து ரொம்ப புதுசா இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு குட்டியா சோ அதனால நான் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் காட்டலாம்னு வீடியோ எடுத்திருந்தேன்
ஸோ ரொம்ப கீழே ரொம்ப ஹைட் வந்து கம்மியாக உள்ள இடத்துல பலா பிஞ்சு வந்து காய்ச்சிருந்தது. ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்கவே. நிறைய சேந்தாப்பில் இருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உடனே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என் கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆன் ஷேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை.